अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने दूध वितरण कारोबार में डीलरों से लिए जा रहे टैक्स के लिए हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार को दूध वितरण कारोबारियों से लिए जा रहे टैक्स के नियमों को सार्वजनिक करने की बात कही है। शर्मा ने कहा कि दूध का व्यापार करने वाले डीलर वर्ग कोरोना के कारण पहले से ही नुकसान में हैं और सरकार की इस मनमानी से अब उनको अपने मुलाजिमों के खर्चे तक निकालने मुश्किल हो गए हैं। सुनील शर्मा ने सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा कि सरकार के विभाग कृषि उपज विपणन समिति द्वारा लिए जा रहा दूध टैक्स किस कानून के अंतर्गत आता है और उनके इस टैक्स के पैसे से दूध वितरक डीलरों की सुविधा के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है, इसके बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सुनील शर्मा ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार दूध कारोबार के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स लिए जाना गैर कानूनी है। अगर भाजपा सरकार ने कोई नया कानून बनाया है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कोरोना के इस नाजुक समय में व्यापार को बहुत क्षति पहुंची है। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे आम वर्ग एवं व्यापारी वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कुछ लाभ पहुंचे, परंतु सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए कि भाजपा सरकार को आम व्यापारी वर्ग के हित में सोचते हुए आर्थिक मंदी सहायता योजना के अंतर्गत खान पान की अति आवश्यक वस्तुओं के टैक्स में कुछ प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग राहत महसूस कर सके और जीवन जीने की जरूरी वस्तुओं में खरीदार को भी इसका लाभ पहुंचे, क्योंकि ये मदद हर वर्ग के आम आदमी की आवाज है और हर व्यक्ति के आय के साधनों को क्षति पहुंची है और भाजपा सरकार को इस पहलू को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं केवल मात्र घोषणाओं में सिमट कर रह गई है। परिवार के लोग महंगे इलाज करवाने के लिए विवश है। MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तक की सुविधाएं भी अस्पतालों में सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं। सुनील शर्मा ने ऐसी स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार की नीतियों को दोषी करार दिया है और कहा कि आने वाले समय के लिए अगर यही स्थिति बनी रही तो भाजपा सरकार प्रदेश और देश को बर्बाद कर देगी। कोरोना की वजह से देश और प्रदेश आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। अभी हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में दूध वितरण कारोबारियों से टैक्स लेने का मामला सामने आया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि दूध के ऊपर आज की तारीख में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि इनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के APMC विभाग के द्वारा दूध के डीलरों के द्वारा टैक्स लेना एक बहुत ही गलत बात है। भाजपा सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे कि क्या कोई नया नियम बनाया गया है, कोई नया कानून बनाया गया है तो उसको सार्वजनिक करे। आज की तारीख में व्यापारी क्षति के और नुकसान के कगार पे पहुंच गया है। व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचा है। सरकार को आर्थिक सहायता योजना को लागू करना चाहिए जिसके चलते अति आवश्यक वस्तुओं के लिए ऊपर टैक्स को कम किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग राहत महसूस कर सके और उसके साथ ही व्यापार से जुड़े हुए आम वर्ग के व्यक्ति जो कि खरीदने में जिनको की चीज़ों को सस्ती हो सके, जब टैक्स कम होगा तो खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी, तो सरकार को आर्थिक सहायता योजना को लागू करना चाहिए और इसके साथ जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उनके टैक्स को कम करना चाहिए।